इस लेक्चर में हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप लफ्ज का मतलब क्या है? माइक्रो मीन्स मार्क, स्कोपी मीन टू सी। माइक्रोस्कोप लफ्ज का मतलब है, माइक्रो का मतलब है स्मॉल एंड स्कोपी का मतलब है टू सी, देख। ठीक है, माइक्रो मीन छोटा और स्कोपी का मतलब है देखना। तो माइक्रोस्कोप से छोटी चीज़ों को देखा जाता है, तो इस वजह से इसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है। डिफिनेशन की क्या है माइक्रोस्कोप की? एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोप से छोटी चीज़ों को देखा जाता है जो आंखों से नज़र नहीं आते, तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आंखों से नज़र नहीं आते। माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी का क्या मतलब है? माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को माइक्रोस्कोपी कहते हैं। पहला माइक्रोस्कोप सबसे पहले किसने बनाया था? पहला माइक्रोस्कोप बनाया था जेचेरियस जैनसन ने 1595 में। ठीक है, 1595 में बनाया था हॉलैंड में। ये हॉलैंड जगह का नाम है नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड हमारे साथ ये मुल्क का नाम है यूरोप में। तो हॉलैंड नीदरलैंड में जगह का नाम है जो यूरोप में मौजूद है। जो जेचेरियस जैनसन ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसकी मैग्निफिकेशन कितनी थी? मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है? मतलब कि कितना चीज़ों को बड़ा करके दिखाता था, जूम करता था, मतलब कि बड़ा करके कितना निकालता था जेचेरियस जैनसन ने। जेचेरियस जैनसन ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो 3x से 9x तक चीज़ों को बड़ा करता, थ्री टाइम्स से नाइन टाइम्स तक चीज़ों को बड़ा करता, मतलब कि 3 गुना से लेकर 9 गुना चीज़ों को बड़ा करता था। जेचेरियस जैनसन ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो 3 गुना से लेकर 9 गुना तक चीज़ों को बड़ा करता था। लेवेनहुक माइक्रोस्कोप, लेवेनहुक माइक्रोस्कोप को पहला माइक्रोस्कोप भी तस्वर किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। लेवेनहुक कौन था? डच साइंटिस्ट। ठीक है, डच ये जुबान है जो नीदरलैंड में बोली जाती है। ठीक है, हॉलैंड में या नीदरलैंड में जो ज़ुबान बोली जाती है, यूरोप में मुल्क का नाम है नीदरलैंड, वहाँ पर कौन सी ज़ुबान? डच ज़ुबान बोली जाती है। तो लेवेनहुक क्या कौन था? डच साइंटिस्ट था, मतलब कि ये डच ज़ुबान बोलता था। पहला माइक्रोस्कोप इसको भी कहा जाता है लेवेनहुक की माइक्रोस्कोप। लेवेनहुक ने बेहतर माइक्रोस्कोप बनाया था उसकी माइक्रोस्कोप से, ये जैसे चेरियस जैनसन के माइक्रोस्कोप के नस्बत बेहतर माइक्रोस्कोप बनाया। ये कितना चीज़ों को बड़ा करता था? मैग्निफिकेशन पावर की कितनी थी लेवेनहुक के माइक्रोस्कोप की? लेवेनहुक के माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर थी 250x 250x। लेवेनहुक के माइक्रोस्कोप कितना चीज़ों को बड़ा करता था? 250 गुना। ठीक है, 250x चीज़ों को बड़ा करता था ये लेवेनहुक का माइक्रोस्कोप। और इसको कंसिडर किया जाता है पहला माइक्रोस्कोप। लेवेनहुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया है उसी को पहला माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ ये माइक्रोस्कोप के बारे में था।